बसपा और भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए सपा ने यूपी में नया दांव खेला है। सामाजिक न्याय यात्रा के समापन के लिए बिजनौर को चुना जाना भी उसी रणनीति का हिस्सा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, किस तरह से सपा बसपा और भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी 2024 में विपक्षी गठबंधन के साथ लड़ेगी या फिर अकेले, इसे लेकर भले ही स्थिति साफ नहीं है, लेकिन सपा ने यूपी में 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए सपा ने जो दांव चला था, बिजनौर में हो रहे सामाजिक न्याय यात्रा के समापन समारोह ने इसकी तस्दीक कर दी है। 2024 चुनाव के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया था। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों का अच्छा खासा सपोर्ट सपा को मिलता है, तो पिछड़ों में यादव सपा का कोर वोटर है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग को साधना है। लेकिन बात की जाए दलितों की, तो वो या तो बसपा के खेमे में है या फिर बीजेपी। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए पीडीए की चाल चली है। समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय यात्रा को पीडीए का नारा दिया गया था। इस यात्रा ने 17 जनपदों का भ्रमण भी किया, लेकिन समापन के लिए बिजनौर ही क्यों चुना गया, इसके अपने मायने हैं। आपको बता दें कि बिजनौर की दोनों ही लोकसभा सीटों पर वर्तमान में बसपा का कब्जा है। यहां अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलित और पिछड़ों की भी अच्छी खासी संख्या है। यही वजह है कि सपा ने सामाजिक न्याय यात्रा के समापन के लिए बिजनौर को चुना। अखिलेश यादव ने बिजनौर के नूरपुर में सामाजिक न्याय यात्रा के समापन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए पश्चिमी यूपी के उन मुद्दों को भी छुआ जो यहां की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। अगर रेलवे सरप्लस है, हमारे किसानों के गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिए और कम से कम इतनी बढ़नी चाहिए जितना बाजार में महंगाई है, कम से कम अगर वो गन्ना चीनी मिलों के पास भेजता है तो थोड़ी बहुत उसकी गरीबी दूर हो जाए, कम से कम गन्ने की कीमत इतनी देनी चाहिए सरकार को। फिलहाल तो अखिलेश यादव चुनावी बिसात पर पीडीए को मोहरा बनाकर बहुत ही सधे हुए अंदाज में अपनी चाल चल रहे हैं। अब देखना अहम होगा कि क्या अपने इस चाल से सपा अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। तो फिलहाल के लिए राजनीति से जुड़ी इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रमुख खबरों की सारी अपडेट आप तक समय से पहुंच पाएं।